नमस्कार, वैद्य गोपाल नारायण शर्मा की ओर से आज आपका एक बार फिर आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर के आया हूं, जो कि आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आयुर्वेद में पंचकर्म संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत आता है। संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म होता है, पांच कर्म होते हैं, उसमें अंतिम कर्म होता है नस्य। लेकिन नस्य जो है, नस्य का तात्पर्य है यानी कि औषधि का नासा छिद्रों के द्वारा प्रवेश कराया जाना। लेकिन नस्य कर्म जो है ये हमारा दैनिक कर्म भी है। दैनिक कर्म भी बताया गया है, जिस प्रकार हम शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार नस्य कर्म का भी विधान बताया है। और नस्य कर्म के फायदे इतने हैं, इतने लाभ हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, इतने ज्यादा लाभ हैं। हमारे ये जो कॉलर की हड्डी होती है, कॉलर के नीचे वाली बोन, इसे कॉलर बोन कहते हैं, क्लेविकल बोन कहते हैं, इसके ऊपर के जितने भी हमारे अंग हैं, यानी कि इसमें हमारा गला आ गया, हमारे दोनों कान आ गए, हमारी नासिका आ गई, हमारी जीभ आ गई, हमारी आंखें आ गई, हमारा सिर आ गया, हमारे बाल आ गए, हमारा मस्तिष्क आ गया, ये सभी क्लेविकल बोन के ऊपर वाले हिस्से हैं, यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत। अब इनमें ये जो भी हमारे अंग हैं, यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय तक जितने भी हमारे ये क्लेविकल बोन के ऊपर वाले अंग जो मैंने अभी आपको बताए, इनकी कार्य क्षमता बिल्कुल बराबर बनी रहे, अगर अपन विस्तार से अगर लें तो आपके बाल असमय में सफेद ना हो, आपके बाल झड़े नहीं, वृद्धावस्था पर्यंत आपके बाल घने रहें, आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता आपकी बराबर बनी रहे, आपकी आंखें बराबर बिल्कुल ज्योति उनकी बनी रहे, आपके कानों से आपका वृद्धावस्था पर्यंत सुनाई देना बिल्कुल बराबर बना रहे, आपके दांत बिल्कुल मजबूत रहे, आपकी जिह्वा का स्वाद जैसा होना चाहिए वृद्धावस्था पर्यंत आपका चलता रहे, और आपके गले में कोई प्रकार का विकार नहीं हो, आपके थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो, यदि आप ये सब चाहते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको नस्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? आपके पास में तीन ऑप्शन है, या तो गाय का देशी घी आपके पास में हो, या आप तिल का तेल हल्का गुनगुना करके रख लें, और या बाजार में बना बनाया एक अणु तेल आता है जो विभिन्न प्रकार की औषधियों को तैयार करके बनाया जाता है। इनमें से अणु तेल सबसे बढ़िया है, लेकिन इसके अभाव में आप जो कोई भी काम में लेना चाहे, गाय का घी हो चाहे तिल का तेल हो, आपको करना सिर्फ इतना सा है, सुबह आपको नाश्ता करने के आधा घंटा पहले अपने दोनों नासा छिद्रों में उक्त तेलों में से या घी में से कोई भी एक हल्का गुनगुना करके आपके दोनों नाकों में डालना है, दो दो ड्रॉप दोनों की डालनी है। जो ड्रॉप नहीं डाल सकते हैं तो वो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी अंगुली को उक्त तेल या घी में भिगो करके अपने दोनों नासा छिद्रों में लगाएं और उसको जोरदार ऊपर की तरफ खींच लें। कहते हैं नासा ही शिरसो द्वारम, ये जो नासा छिद्र है ना, ये सिर का दरवाजा है। हमारी जितने भी अंग प्रत्यंग हैं ऊर्ध्व जत्रुगत, उनके लिए ये बहुत ही उत्तम है। और इसे करने से जो मैंने आपको लाभ बताए, आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सभी, चाहे तो आपके आंख हो, चाहे आपके कान हो, चाहे आपकी जिह्वा हो, चाहे आपकी त्वचा हो, चाहे आपकी वाणी हो, इन सभी की कार्यक्षमता बिल्कुल बराबर बनी रहती है। और इसके अतिरिक्त आपकी जो भर सर्दी में भी आपकी एड़ियां नहीं फटेंगी, आपके होंठ नहीं फटेंगे, ये इसका विलक्षण फायदा है। औषधि नाक में डाली जा रही है, असर उसका पूरे शरीर में है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि निरंतर करेंगे तो लाभ मिलेगा। आप अपने दैनिक कार्य कैसे करते हैं, अपनी दैनिक चर्या में इसका भी समावेश कर लीजिए, निश्चित रूप से परिणाम आपको सुखद मिलेंगे। आप स्वयं अनेक लोगों को यह चीज बताएंगे, आपके
यह करने से जिनके एलर्जिक जन्य प्रॉब्लम होती है, जरा सा मौसम परिवर्तन हुआ, जुकाम लग गया या जरा सा डस्ट उड़ा, जुकाम लग गया, नाक से पानी शुरू हो गया, तो इन सभी चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।